आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ पाव भाजी की रेसिपी। आज मैंने पाव भाजी की रेसिपी जो शेयर की है ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही डिलीशियस है। मैंने बिल्कुल भी आलू का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है, मैंने शिमला मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने फुल डाइट के हिसाब से बनाया है, बटर भी बहुत कम यूज़ किए हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियां काट के रख ली है। आज जो मैं पाव भाजी आपको बताऊंगी वो बिल्कुल ही डाइट्री है, 80% डाइट के ऊपर है ये। तो आज मैं बिल्कुल भी आलू यूज़ नहीं करूँगी, बहुत ही सिंपल स्टेप से मैंने इसे बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्रेशर कुकर में फूल गोभियों को काट के डाल लिए हैं। अब साथ में कुछ और सब्जी रहेगी जैसे गाजर और ये बीन्स हैं, फ्रेंच बीन्स, इन्हें भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही मैं डालूंगी ये पत्ता गोभी, कैबेज। अगर आप और हेल्दी बनाना चाहते हो थोड़ा शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं या पालक ऐड कर ले। पाव भाजी में पालक ऐड नहीं होता बट आप कर सकते हैं। अगर मटर का सीज़न है तो मटर ले ले। जितनी ग्रीनरी और जितनी वेजिटेबल्स डालेंगे उतना हेल्दी है ये। अब इसमें अनियन डालूंगी और ये हरी मिर्च है, इसे भी इसमें ऐड कर दें। अगर आप अनियन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट अनियन भी ये बहुत टेस्टी बनेगी। और साथ में मैं थोड़ी सी गार्लिक डालूंगी 3-4 के लिए। और अब मैं इसमें डालूंगी बीट। बीट बहुत हेल्दी है और साथ ही बहुत ही अच्छा कलर देगा पाव भाजी को। और अब इसमें जाएगा 1/2 ग्लास ऑफ वाटर, पानी इसमें डाल दें, साथ ही जाएगा नमक बस। अब इसे हम प्रेशर कुक करेंगे करीब 3 सीटियों तक। इतना मैशी हो जाना चाहिए कि बिल्कुल हाथ से ये बिल्कुल पल्पी हो। अब हम इसे 3 सीटियों तक कुक करेंगे, वेजिटेबल्स को इतना कुक कर ले कि आसान से मैशी हो जाए। तो चलिए इसे कुक करते हैं। 3 सीटियों के बाद सब्जियां बिल्कुल अच्छे से गल गई है। अब इसे हम मैश कर लेना है, किसी भी मैशर की मदद से इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लें। तो चलिए हम इसे स्मूथ पेस्ट कर लेते हैं। मैंने सब्जियों की प्योरी करके एक बोल में रख ली है अलग। चलिए अब इसके मसाले की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे। आप सोचेंगे तेल पाव भाजी में, तो हाँ हमें थोड़ा तेल डालना है क्योंकि हम डाइटरी पाव भाजी बना रहे हैं डाइट के हिसाब से। तो हम बटर का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और ऑयल डालने से बटर जल्दी भी नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, इसके साथ ही जाएगा थोड़ा सा खड़ा जीरा। जीरा तड़कने लगा है, अब इसमें हम डालेंगे चकटे हुए गाजर। आप इसके जगह पे शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। गाजर अच्छे से पक गए हैं, अब इसमें हम प्याज डालेंगे चॉप किए हुए। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डालेंगे। हमें टमाटर को तब तक कुक करना है जब तक ये हल्के से मैशी ना हो जाए। थोड़ा सा जाएगा जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ, और चाहे तो पेस्ट भी ले सकते हैं। टमाटर कुक हो गए हैं, अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे बहुत अच्छे कलर के लिए। अब इसमें जाएगा कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी डालें। अब फाइनली ये जाएगा पाव भाजी मसाला। करीब 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला डाल दें इसमें। मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब हमने जो सब्जियों की प्यूरी की थी उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो आलू ऐड कर सकते हैं, उससे इसकी थिकनेस भी आएगी और थोड़ा फ्लेवर भी आएगा आलू से। या आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो। पानी भी ऐड करें इसमें और थोड़ा सा सॉल्ट चेक करते हैं, क्योंकि हमने सब्जी उबालते समय सॉल्ट डाला था। तो अब हम इसमें सॉल्ट चेक करके इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें जाएगा नींबू का रस। भाजी बिल्कुल रेडी है। लास्ट में इसमें थोड़ा बटर ऐड करेंगे और गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ।
पाव के लिए हम बटर रेडी कर लेंगे। तो पहले मैंने एक कप में मेल्ट किया हुआ बटर ले लिया है, इस तरह से कुछ हाफ मेल्टेड बटर है। इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी और साथ ही ऐड करेंगे पाव भाजी मसाला। इन सबको डाल के हमें इसे मिक्स कर लेना है और हम इसे साइड रख देंगे और पाव को कट करके हम इसे उसमें लगा के अच्छे से सेक लेंगे। मैंने यहाँ पे दो फ्रेश बंस ले लिए हैं पाव, इसे हमें कट करना है। हम इस तरह से एक इस तरह से कट मारेंगे बिल्कुल ऊपर से और एक पीछे करके हम नीचे से कट मारेंगे। हम दो कट मारेंगे और लास्ट में लाके हमें छोड़ देना है इस एंड पे, हमें पूरा नहीं कट करना है। तो चलिए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हमें इसे खोल लेना है। हम दोनों बर्ड्स बंस ऐसे ही कट कर लेते हैं। मैंने एक तवा गरम कर लिया है, इसमें मैं बंस को इस तरह से फैला लूंगी बिल्कुल लंबा। इसे हम कट किए हैं इस तरह से, हमें रख लेना हल्का सा गर्म हो जाए। तो हम इसमें सीजन किया हुआ बटर डालेंगे जो हमने पहले से सीजन कर लिया था, वो हम इसमें इस तरह से अप्लाई करेंगे। हमें इस तरह से प्रेस करते हुए इसे सेकना है। एक तरह से सिक जाने के बाद हमने इसे पलट दिया है और दूसरे साइड भी बटर लगा दिया है। पाव बहुत अच्छे से सिक गई है, ये देखिए ब्राउनिश कलर जो इसमें आया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। पाव भाजी बिल्कुल रेडी है, ये देखिए मैंने कटे हुए प्याज के साथ नींबू के साथ इसे सर्व किया है। गार्निश करें थोड़े से बटर, थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़े से अदरक के साथ और बहुत गर्म मज़ा दिया।